पहाड़गंज क्षेत्र में रामगंज थाने के हिस्ट्री सीटर द्वारा शेविंग बनवाने आए दो भाइयों पर कैंची से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हिस्ट्री सीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि पहाड़गंज के रहने वाले सुरेश रामचंदानी अपने भाई अशोक रामचंदानी के साथ शेविंग बनवाने मुकेश सैन की दुकान पर गया था, जहाँ रामगंज थाने के हिस्ट्री सीटर लेखराज उर्फ लाखन उनके पास पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर दोनों भाइयों पर कैंची उठाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायल अवस्था में इलाज के बाद उन्होंने क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लेखराज उर्फ लाखन के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टीमें गठित की गई है। ये सुरेश रामचंदानी जो गंगा माई मंदिर के पास पहाड़गंज का रहने वाला है, उसने बताया कि मैं और मेरा भाई किसी मुकेश सेन की दुकान पर शेविंग कराने के लिए गए थे और वहाँ पर ये लेखराज जो पहाड़गंज का ही रहने वाला है वो आया और उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मैंने मना किया तो उसने कहा कि या तो पैसे दे नहीं तो तेरे को मार दूंगा। इस पर मैंने उसको मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसमें वो आवेश में आके वहाँ से नाई की दुकान से कैंची उठा के उसने उस पर और उसके भाई पे दोनों पे ताबड़तोड़ हमले किए, जिनसे उनको गहरी चोटें आई है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। 327, 323, 341 IPC में हमने बोला। नहीं, ये लेखराज जो है वो रामगंज थाने का HS है और वो आदतन अपराधी है और इस तरह की वारदातें वो हमेशा करता रहता है। पूर्व में भी मोटरसाइकिल जलाने के प्रकरण में हमने उसको बंद किया था। ठीक। भैया मैं शेविंग कराने गया था ऊपर मुकेश नाई की दुकान है। शेविंग देखो मेरे एक बनी यहाँ से बनी हुई है और हाथों एक ही बनी तो, और उसने मुझे कैची उठा के हाथों तो वार कर दिया उसने। क्या मामला? मामला कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ शेविंग बना रहा था, वो वहाँ खड़ा हुआ था। मेरे से पैसे मांगे थे 300 रुपये, मना कर दिए मैंने उसको। कौन था? लाखन, उसने लाखन उर्फ लेखराज बोलते हैं। दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा था मेरे से, मैंने मना करा। उससे पहले मैंने उसको 2-3 बार पैसे दिए हैं, वो वापस आए नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिए उसको। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है क्या? नहीं, अपराधी टाइप है। हाँ सर, अपराधी वो तो अपराधी है, उसके ऊपर बहुत केस लगे हैं वैसे भी। आपका नाम? सुरेश कुमार रामचंदानी।